चलो थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखो अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया हो कि मेरे पास में दो डाइस फेंक रहा हूं ठीक है और सिक्स आना मेरा सक्सेस है ठीक है तो मेरा सैम्पल स्पेस जो है वो क्या हो गया दो डाइस का वन 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 टू से लेके वन सिक्स एंड ऐसे यहां जाऊंगा सिक्स तो वन से लेके सिक्स सिक्स तो ये देखो ये बहुत आसान हो गया अब दो डाइस में मुझे पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन टाइम सिक्स आना चाहिए ओके okay, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ओके okay, आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा सिक्स वन वन टाइम आना चाहिए सिक्स बराबर है तो आउटकम क्या क्या हो सकते सिक्स वन

वेन आई एम थ्रोइंग टू डाइस बराबर है एंड गेटिंग सिक्स इज अ सक्सेस बराबर है ठीक है तो एक डाइस को मैं दो बार फेंक रहा हूं है? And, uh, एक बार सिक्स मिलने की प्रायरिटी कितनी ठीक है ये हुआ ये बराबर ना जरा इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना ठीक है ये रहा दूसरा तरीका डाइस को मैंने कितनी बार फेंका दो बार फेंका ओके वट इज द प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज कमिंग सिक्स तो क्यू क्या हुआ फाइव बाई है मेरा वन अब मैं जरा इसको बाइनोमियल की तरह से सोचता हूं ठीक है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स This is what probability of random variable taking value x. अब मुझे एक सक्सेस चाहिए ठीक है तो टू C वन p जो कि मेरा सक्सेस है 1 by 6, rest to 1, into 5 by रेस टू वन इंटू फाइव बाई अगर मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो मेरा आंसर क्या है टेन बाई थर्टी सिक्स अब आप सोचो कि यार इसमें क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की जरूरत थी है कि नहीं बट <coughs> अगर जरा सोचो मैंने अपना डाइस जो है वो पांच बार फेंक दिया ओके okay? कितनी बार फाइव टाइम्स <coughs> तो अब मेरे सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे सिक्स रेस टू फाइव

डाइस में कितनी बार फेंक रहा हूं पांच बार फेंक रहा हूं और मुझे तीन बार सक्सेस चाहिए तो अब पहले की तरह मैं देसी मेथड से काम कर सकता हूं क्या कि चलो अब देखो डाइस ही खुद पांच मतलब अब फेंक रहे हो पांच बार तो कितने सारे आउटकम होंगे है कि नहीं बट पांच में से कोई भी तीन डाइस पे क्या चाहिए मुझे सिक्स चाहिए ओके okay, और वो सिक्स आने की प्रायोरिटी कितनी है वन बाय सिक्स अब बाकी के जो भी दो डाइस होंगे ओके okay, उसमें सिक्स नहीं होगा तो उसकी प्रायोरिटी कितनी फाइव बाय सिक्स देखो ये मैं प्योरली परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मेथड से वर्कआउट कर रहा हूं ओके okay, तो देखो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री सक्सेस ठीक है तो ये बात यहां जो आपको दिख रहा है ओके okay, और ये यहाँ पे मैंने बाइनोमियल ना लगाऊ मैं बराबर है आप आपको समझ में आ रहा है मैं बाइनोमियल अगर ना लगाऊ ओके okay, तो भी मैं ऐसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ पर अगर मैं बाइनोमियल लगाता हूँ तो मेरा सीधा सीधा हिसाब हो गया n सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स देखो ये दोनों सेम ही है कि नहीं नाउ क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड कि मुझे बाइनोमियल कब लगाना चाहिए तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप कॉइन एक बार टॉस करते हो दो बार टॉस करते हो तीन बार टॉस करते हो चार बार टॉस करते हो तब तो तक आप मैनेज कर सकते हो कि हेड कम्स टू टाइम्स हेड कम्स थ्री टाइम्स पर अगर किसी ने पूछ लिया कॉइन इज टॉस्ड टेन टाइम्स फाइंड द प्री दैट कमिंग हेड इज सक्सेस एंड फाइंड द प्रॉरिटी ऑफ फोर सक्सेस तो इट इज बेटर कि यू नो रादर देन राइटिंग द सैंपल स्पेस यहां पे आएगा हेड यहां पे नहीं आएगा जब आपका सैंपल स्पेस सफिशियंटली लार्ज हो जाता है ओके एंड व्हेन यू आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट सम मोर नंबर ऑफ टाइम्स तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज बाइनोमियल थियरम ओके और बाइनोमियल थियरम कब लगता है

बराबर है चलो इन अदर वर्ड्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ में रियल लाइफ में कहां-कहां यूज होता है तो सबसे पहले अभी फैशन चल रही है कोविड की बराबर है चलो अब मुझे कोविड की वैक्सीन निकालनी है तो सबसे पहले किसके ऊपर ट्राई करूंगा तुम्हारे ऊपर या रैबिट के ऊपर या माउस के ऊपर ओके okay? तो अब मैं मुझे पता है कि मैंने सपोज पांच बंकी पकड़े

आर मतलब दे कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता चला ओके सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक ट्रायल में किसी का होने की प्रोबेबिलिटी जो है मतलब अपनी जो इवेंट है जिसको हम सक्सेस कहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म रहती है बराबर है एंड मोर और लेस अगर आप अच्छे से समझो तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन को आप ठीक से यूज करते हो उसकी जगह पे आप बाइनोमियल यूज कर लो ओके आई एम श्योर आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आप अच्छे से समझ में आया होगा राइट right? एक बार फिर से बोल दू कॉइन दो बार टॉस करे तीन बार टॉस करे तो अपने ओरली देसी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बट अगर उसी कॉइन को दस बार टॉस करेंगे और पूछा जाए कि तीन बार हेड आना चाहिए तो राधर देन यूजिंग कॉम्बिनेशन एंड ऑल इट इज इजी टू तो गो विद द बाइनोमियल वे ठीक है चलो थैंक यू दोस्तों